श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में राधे कृष्ण की चैतन्य झांकी का शुभारंभ किया गया। साथ ही 7 दिवसीय निःशुल्क राजयोग शांति अनुभूति शिविर का आयोजन भी किया गया। दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आनंद सरोवर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर राधे कृष्ण की चैतन्य झांकियों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी से दुर्ग की संचालिका रीटा बहन और वरिष्ठ शिक्षिका रूपाली बहन के सानिध्य में सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर झांकी का शुभारंभ किया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी की मुख्य संचालिका रीटा बहन ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमें अपने जीवन में धर्म को मुख्य महत्व देना चाहिए। धर्म अर्थात जीवन की धारणाएं हैं जो कि वास्तविक धर्म है, और यह पवित्रता, सुख शांति, आनंद, प्रेम, जो हमें स्वयं भी अच्छा लगता है और हमें दूसरों में भी यही अच्छा लगता है। इस मौके पर इस झांकी में मुख्य अतिथि के रूप में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम कुमार, रुचिका जैन और आरएल ठाकुर विशेष रूप से शामिल रहे। बहुत सेंटरों पर गया हूं, आत्मा प्रज्वलित हो जाती है, जैसे दीप हम लोग प्रज्वलन करते हैं उस तरह से आत्मा का प्रज्वलन हो जाता है। पूरा फिर से संस्कार जो हमारे होते हैं, जो मानव होने के संस्कार, जो हमें देवत्व है, वो संस्कार एक बार फिर से जागृत हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है। इस सेंटर में बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, बहन जी का काफ़ी स्नेह है और जब भी है हमें बुलाती हैं। और आज हम लोगों ने जो देखा यहाँ पर, कितना अच्छा, मतलब भगवान को दुनिया में दिखा पाना कितना कठिन काम है। मतलब कृष्ण के कितने रूप हैं और उस रूप को हम लोग के सामने, आप सभी देखे होंगे, यहाँ यहाँ के बच्चे थे और इनका जो भी गीत नृत्य, जो कृष्ण की जो कला थी, उसको इतने अच्छे ढंग से देखा कि दिल में समा गया। और ये रूपक, ये चीज़ हमारे दिल में पूरा समाया है। उनके सक्रिय टीम के सभी समर्पित और भ्राता एवं बहने और आज गेस्ट टेबल पर उपस्थित वन प्रधान मुख्य वन संरक्षक साहब, जैन मैडम और इस सभागार के सभी उपस्थित भ्राता एवं बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस चैतन्य झांकी में हम जब आए तो ब्रह्मा कुमारी शिवानी देवी का वक्तव्य चल रहा था। कथा पुराण तो हम पढ़े हैं, लेकिन आज आध्यात्मिक तरीके से जो व्याख्या करके शिवानी दीदी ने जो बताया कुछ दृष्टांत के साथ, हमारे आदरणीय भ्राता कमलेश पवार जी, जो रसमड़ा में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, अमरगम फैक्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स में उनके आप चीफ हैं, और इनके फैक्ट्री में बहुत जल्दी हमारा 5 दिन का सेमिनार भी चलने वाला है, तो उसके लिए भी इनको बधाई देते हैं। धन्यवाद आप सभी को। ओम शांति। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जो 3 दिवसीय आयोजन प्रजापति ब्रह्म कुमारी द्वारा किया गया है, इस आयोजन की भव्यता स्वयं अपने आप में दिखाई देती है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ आने का। मुझे यहाँ आने से एक अलग सी शांति महसूस हो रही है। दीदी मेरे को वही बोल रही थी कि तुम मेडिटेशन के लिए आना, तो मैं पूरा ट्राई करूँगी
कि मैं थोड़ा सा भी अगर दीदी से नॉलेज ले सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसीएन न्यूज के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।